गाइज एवरीवन इज वेटिंग फॉर सैमसंग ए सीरीज इन पाकिस्तान बिकॉज भाई सैमसंग फैंस काफी क्रेजी हैं कि ए सीरीज को लेकर और उस ए सीरीज का सबसे हाईर वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी A73 जिसकी के रिटेल प्राइस ओवीएल प्राइस जो कि पाकिस्तान में आनी थी लीक हो चुकी है लॉन्च से पहले और आज हम बात करेंगे इसी फोन को लेकर। मैं आपको सारी चीजें डिटेल के साथ बताने वाला हूं और इस वीडियो से पहले मुझे काफी कमेंट्स भी आ चुके थे कि भाई इस फोन के ऊपर वीडियो बना दें, इस फोन के बारे में क्या सीन है। तो तब तो मैंने आपकी नहीं सुनी बट आज टॉपिक की शॉर्टेज की वजह से ये वीडियो आ रही है। बाय द वे बैकग्राउंड कैसा है सो सारी चीजें जानते हैं A73 के बारे में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को एंड तक देखो। बाय द वे आजकल क्या चल रहा है, कल इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, सारे रोजे रखेंगे, मैं भी रोजे रखूंगा, तो आप अपना सीन बताएं क्या सीन है। खैर अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, 500 लाइक्स का टारगेट है। आई होप कि गाइस आप रोजाना की तरह कंप्लीट कर दोगे। सो भाई लेट्स बिगिन। सो गाइस बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A73 को लेकर। सबसे पहले फोन के डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन एज यूजुअल कुछ खास नहीं है, जैसा कि इनकी ए सीरीज के डिजाइन वगैरह होते हैं कुछ उस तरीके से ही है। प्लास्टिक बैक है, मैट फिनिश के साथ आएगा, बाकी अच्छा है यार। उसके बाद में अगर फ्रंट की बात करूं डिस्प्ले की, 6.7 इंचीज एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। देखो डिस्प्ले के ज्यादा स्पेक्स कंफर्म नहीं है लाइक प्रोटेक्शन वगैरह, एचडीआर वगैरह, ये वो चीजें, बट यस ऑफ कोर्स सैमसंग का डिस्प्ले है तो काफी अच्छा वाला तबाही होगा। बाकी आने पर देख लेंगे इसको टेस्ट करके कि कैसा डिस्प्ले है। यस यू नो। उसके बाद में अगर बैक की बात करूं डिजाइन का मैंने आपको बता दिया। कैमरास की बात की जाए, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, उसके बाद में 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ सेंसर। देखो भाई सैमसंग इस बार इस फोन को जो है वो कैमरास के लिए काफी ज्यादा क्रेजी होकर टीज कर रहा है कि मोर डिटेल्स लाइक ऑसम डिटेल्स, तो देखते आने पर कि क्या कुछ सीन है। बट यस ऑफ कोर्स के कैमरास अच्छे ही होंगे, 8GB 128GB 8GB 256GB आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एंड गाइस अगर बात कर लीजिए परफॉर्मेंस को लेकर तो यहां पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G, ये वही प्रोसेसर है जो कि आपको A52s में देखने को मिलता है। अब अगर इस फोन को कंपेयर भी करें ना हम A52s से तो ये बहुत ज्यादा लाइक अपग्रेडेड नहीं है, कैमरा नंबर्स हैं, प्रोसेसर वही है, बाकी कुछ चीजें होती हैं। खैर आने पर हुआ तो इंशाल्लाह फिजिकल कंपैरिजन भी इस फोन का मैं आपको दूंगा। बाकी इस फोन में आपको IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, 5000 mAh बैटरी है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और बॉक्स में आपको इस बार चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। जब से सैमसंग की S21 सीरीज आई थी लास्ट ईयर उसके बाद जो है वो इन्होंने तकरीबन हर डब्बे से चार्जर को गुम करना शुरू कर दिया है। इंडिया में काफी सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं सैमसंग की तरफ से एम सीरीज के और वहां पर भी यही सेम सीन हो रहा है कि भाई चार्जर ही नहीं डाले जा रहे और आने वाले दौर में लाइक फ्यूचर में ऐसा ही होगा, डब्बे में सिर्फ आपको डब्बा ही देखने को मिलेगा लाइक भाई फ्यूचर में यही होने वाला है, सिर्फ आपको पैसे देकर एक बॉक्स मिलेगा, फोन आपको अलहदा से परचेज करना पड़ेगा। आहिस्ता बॉक्स से चार्जर को हटाया जा रहा है जो कि बुरी चीज है। देखो एनवायरनमेंट को बचाना है, किसी और तरीके से बचा लो, ये लोग एनवायरनमेंट के चक्कर से चार्जर को हटा रहे हैं और खुद ही चार्जर को सेल कर रहे होते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज बिजनेस। ठीक है सैमसंग का फोन है, स्पेक्स वगैरह सारी चीजें अच्छी हैं बट बहुत ज्यादा हाईर अपग्रेडेड नहीं है। अब अगर बात करूं प्राइस को लेकर तो यहां पर इस फोन की जो प्राइस निकल कर आती है वो निकल कर आती है 1,01,000 रुपए, 600 रुपए ऊपर है जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। उसके बाद में जो दूसरा वेरियंट है 8256 वाला, आई थिंक सो 1,09,000 रुपए, लाइक भाई क्रेजी प्राइसिंग आई है, इतनी ज्यादा ओसम प्राइस। वैसे तो हर चीज को ये ओसम बोल रहे होते हैं सैमसंग वाले, तो प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा ओसम कर दी इन लोगों ने। अब आपका क्या ओपिनियन है? देखो ठीक है सैमसंग इन्वेस्ट करना चाहिए, नो डाउट सारी चीजें ठीक है, सैमसंग का यूजर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी, यूआई, लाइक हर चीज जो है वो बेस्ट है, बट अगर प्राइसिंग की बात की जाए ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, ओवर प्राइस होगा लाइक सिंपल है। बट यस क्या कह सकते हैं, पीटीए टैक्सेशन, ये वो इधर उधर, तो भाई इतने में तो आना ही आना है। अब जिन्होंने लेना है वो 1,20,000 1,30,000 में भी है, उन लोगों ने लेना ही लेना जो सैमसंग फैंस है, बिकॉज सैमसंग यूजर कभी भी किसी और ब्रांड के ऊपर शिफ्ट नहीं करता। ऐसा ही अगर आप भी सैमसंग यूजर हैं तो कमेंट्स में लाजमी से बताना। बाकी इन माई ओपिनियन थोड़ी सी प्राइस डाउन आती तो ज्यादा बेहतर रहता है, बिकॉज यहां पर हार्डवेयर को चेंज नहीं किया गया। स्नैपड्रैगन 778G ये वही है जो कि आपको A52s में भी देखने को मिलता है। व्हाट्स योर ओपिनियन? सिंपल है, अगर मुझे 1,00,000 से ऊपर फोन लेना था मैं तो आईफोन की तरफ जाऊंगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल म्यूजिक बिकॉज फ्लैक्स का फ्लैक्स ब्रांड एवरीथिंग। व्हाट्स योर ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी सताना। फिलहाल के लिए यही था फोन लॉन्च वगैरह को लेकर। बात करूं तो भाई रमजान आ गया माशाल्लाह, तो रमजान के बाद ही आई थिंक सो ईद के फौरन बाद सैमसंग की ये जो ए सीरीज होगी, वैसे सैमसंग का A03 कोर वगैरह भी आ रहा है तो वो भी जो है वो रमजान के बाद ये सारे के सारे फोन लॉन्च होंगे। और भाई रमजान के बाद ये जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी है ये धमाके करेंगे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करके। सो फिलहाल के लिए यही थे आज की वीडियो कैसी लगी है लाजमी सताना। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।